नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। दोस्तों, इस खबर को देखने से पहले ये समझ लीजिए कि हरियाणा पुलिस को, करनाल पुलिस को कोरोना के दौरान किस तरह से लोगों ने फूल बरसाकर सम्मानित किया था, कोरोना के दौरान किस तरह से जो पुलिस वाले थे उनको अलग अलग तरीके से सम्मान दिया गया। लेकिन अब पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 2000 रुपये इस पनवाड़ी की दुकान से वो लेकर फरार हो जाते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस वाला राइडर मोटरसाइकिल पर आता है, उसके पीछे बैठा एक व्यक्ति उतरता है, इन्हें कहता है कि हम यहाँ पर नाका लगाएंगे। खबर हालांकि 24 घंटे पहले की है, लेकिन 24 घंटे बाद का क्या अपडेट है, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर 24 घंटे बाद भी जो वेद प्रकाश है, जिनकी उम्र आप देख सकते हैं काफ़ी उम्र दराज है, 25-30 साल से यहाँ पर छोटी सी दुकान चलाते हैं, और एक इस तरह के व्यक्ति के लिए 2000 रुपये की क्या वक्त है, क्या वैल्यू है, ये आपको खुद बताएंगे। पुलिस 2000 रुपये लूट कर चली जाती है, छीन कर चली जाती है, लेकर चली जाती है, इस बात का फैसला आपने करना है कि महज 2000 रुपये के लिए किस तरह से करनाल पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे बाद भी कोई भी पुलिस अधिकारी इनके 2000 रुपये की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या पूरा मामला है, वेद प्रकाश जी से जानते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? एक डब्बी है क्लासिक की, क्लासिक की डब्बी है, वो कितने की है? 400 रुपये की है। 2400 रुपये का चूना लगा गया आपको, क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है जी 66 साल की है। और क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश जी। क्या दिक्कत, क्या आपकी छोटी सी दुकान है, बढ़िया काम चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जी, मेरा मतलब पागल बना गया एकदम, वो कौन बना गया? पुलिस वाला है जी, जो पीछे बैठा था, वो कह रहा था उनको आप पे पैसे पड़े होंगे दे दो इकट्ठे कर, अभी नाका लगाएंगे या थोड़ी देर में आपको इकट्ठे कर दे देंगे पैसे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब वो फिर इधर उधर फिर गया, फिर पीछे से पीछे लिख चला गया। पुलिस थी? हाँ जी। क्या हुआ फिर? पुलिस वाले ही आए थे जी कल भी। अच्छा, उनसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी गए आप पुलिस वालों के पास? आज सवेरे गए जी। क्या हुआ? तब भी उन्होंने यही गोली दे दी, मतलब आप जाओ एक दो दिन में फिर देखेंगे। तो वो जो राइडर वाला था पकड़ा गया वो? हाँ, वो पकड़ा गया जी। क्या बोले? उसका नाम अवतार सिंह है जी। अवतार सिंह? हाँ जी। पुलिस में है? पुलिस में है। अच्छा, राइडर है वो। अच्छा, उन्होंने कहा मैंने तो पता ही नहीं है क्या हुआ है। मोटरसाइकिल उसी की थी? मोटरसाइकिल वही चला रहा था जी। पीछे पहचान लिया उसको? हाँ, पहचान लिया। तो फिर क्या बोला वो? सवेरे हम गए थाने में बैठा था वो, SHO ने उससे सारा कुछ पूछा है, और जो उनका चौकी इंचार्ज था उसने ही पूछा है, उसने ही कहा भाई मैं तो जानता नहीं इसको कौन था, फिर ऐसे कैसे बिठा लेगा जी वो उसको। एक फाइल भी देगे थे आपको? एक फाइल देगा जी वो यहाँ। हाँ। उसमें कुछ नहीं है जी, मैंने देखा फिर बाद में जब हाँ। वो चला गया ना, फिर मैंने बाद में देखा उसको। एक किस्म से अगर कहें कि आपको बेवकूफ़ बनाकर चले गए? हाँ, बेवकूफ़ी बना गई। और क्या है, नकद पैसे कितने थे? 2000 रुपये जी नकद। तो आप अंकल जी इसको क्या कहना चाहोगे, लूट के गए, छीन के गए या लेकर गए? वैसे मतलब एक पागल बना गया ना आदमी को, ले गए चले गए वो। उसके बाद एक किस्म से 2000 रुपये लूट लिए जी। हाँ, 2000 रुपये। कौन कौन है घर में आपके? निसी है जी, दो लड़के हैं, वो है। तो 2000 रुपये की क्या वैल्यू आपके लिए? मेरे लिए तो बोला है मैं जी, ये देखिए, एक एक रुपए के, दो दो रुपए के ये पाउच बेचकर, एक एक रुपए के, दो दो रुपए के ये पाउच बेचकर, चार चार पांच पांच रुपए के शैम्पू बेचकर, 50-50 पैसे की टॉफियां बेचकर, यानी आप समझ सकते हैं कि 50-50 पैसे की टॉफियां बेचकर किस तरह से 2000 रुपये इकट्ठे किए जाते हैं, और उस 2000 रुपये के अंदर कमाई भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है, और बावजूद इसके यानी 2000 रुपये भी पुलिस इनको अभी तक बरामद करके नहीं दिलवा पाई उस अवतार सिंह से, जिस अवतार सिंह ने खुद ये बात मानी कि मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था, यानी उसने इस दुकान के ऊपर उतरा भी लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूँ। कम्बोज साहब, आपके पास आ जाता हूँ एक बार, भाई पीछे हो जाए, थोड़ा सा रास्ता दे दो। कम्बोज साहब, क्या बताना चाहेंगे आप, पुलिस के पास गए थे, क्या कुछ हुआ वहाँ? मैं भी इनके साथ गया था, ये मेरे चाचा जी हैं वेद प्रकाश जी, और मैं SHO साहब से मिला था। SHO साहब ने कहा जी हमने रात 10 बजे तक वो खंगाल के कैमरे वगैरह, हमने उसको तो ट्रेस कर लिया। जब वो अवतार सिंह से हमारी बात हुई, अवतार सिंह कहने लगा जी वो तो एक सिविल में पुलिस वाला था, वो कहने लगा जय हिंद जनाब, मैंने उसको बैठा लिया। मगर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, मैं भी आपको जय हिंद कहूँगा तो आप बैठा लोगे, कल को अगर कोई इसको गोली मार के चला गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप तो राह चलते हो, आपने डकैती मरवाई और साहब चले गए, तो अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। सीएम सिटी में ये कुछ हो रहा है? सीएम सिटी कहाँ है जी, सीएम तो नाम नाम क्या, सिटी सिटी बज रही है, तो क्रेम सिटी है, यहाँ कुछ नहीं है।
एक बताओ गरीब आदमी 50 पैसे की पुड़िया बेच बेच के अपना घर का गुजारा चला रहा जी। और उस आदमी के साथ ऐसे धोखेधड़ी हुए तो पुलिस के ऊपर ये प्रशिक्षित चिन्ह है भाई, पुलिस ऐसा कर रही है। पुलिस के पीसीआर के ऊपर थानों के अंदर तो सेवा सुरक्षा सहयोग लिखा होता है, सेवा है। सुरक्षा सहयोग मिला आपको? वो कुछ नहीं है, ये ड्रामा है सब, ये तो सब ड्रामा है। अगर पुलिस वालों ने अवतार वालों ने अवतार सिंह को ढूंढ लिया तो वो कौन है? अगर कल को पीसीआर वो अब ये पीसीआर चली आई, मैं पीसीआर को हाथ दे रहा हूँ तो पीसीआर में मेरे को कोई बिठा लेगा क्या? ये तो एक बड़ी मनगढ़ंत बात है, पुलिस उसको लुको रही है, उनको पता है भाई सिविल वर्दी में कौन है कौन नहीं, उसकी लिखाई भी SHO साहब पहचानते हैं, तो क्यों नहीं इसको अब तक ट्रेस कराए? उसके बेचारे गरीब आदमी पैसे क्यों नहीं दे रहे? क्या वैल्यू है 2000 रुपए की इनके लिए? बड़ी वैल्यू है 2000 रुपए की, गरीब आदमी के लिए तो 2 रुपए की भी वैल्यू है। ये अगला 50 पैसे की पुड़िया बेचता है, 10 पैसे बचते हैं, अब ये देख लेंगे ना 2000 रुपए कितने दिन में इकट्ठे करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ नाका लगाएंगे, नाका लगा के जो पैसे इकट्ठे होंगे आपको अगर 2-4 हज़ार रुपये फालतू चाहिए तो वो भी दे देंगे। अब आते SHO साहब से कहा, SHO साहब कह लगे भाई चलो हम कार्रवाई कर रहे। भाई कार्रवाई किसके ऊपर करोगे जब आपके ऊपर आपको पता है भाई ये आदमी है, इसको ट्रेस करो। अच्छा कंबोज साहब मेरा सवाल है, अगर वो व्यक्ति किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से एक बड़े नेता से इस तरह की लूट कर चले जाते तो क्या अभी तक ना मिलता? वो मिल जाता, ये तो गरीब आदमी है, आप लोगों की मेहरबानी से की आवाज़ उठगी, लोग देखेंगे पता लगेगा भाई पुलिस ऐसा हो रहा है। ये तो आप लोगों की ऊपर साहब ये आपकी मेहरबानी है जो इस गरीब आदमी का भरपेट हो सकता है, कोई पक्की जरूरी नहीं है भाई मिलेंगे, अभी तो आश्वासन ही आश्वासन है। अभी मेरे पास बस स्टैंड चौकी के इंचार्ज का फोन आया था, वो कह रहा भाई साहब मिलना, मैं भाई मिलेंगे जब जैसे उसके पैसे दिए वैसे ही दो और मीडिया में आगे बयान दो भाई हम गलती से ले गए थे और ये हम पैसे वापसी दे रहे हैं, तब तो आपकी कुछ बात बनती है। अरे ऐसे नहीं भाई, फिर एक अभी एक सज्जन बता रहा था अगजी मेरे पास आए और पैसे लूट के चले गए, लूट की तो बहुत वारदात हुई, अभी 30,000 रुपये की लूट इन बिजली वालों के साथ हुई, कहाँ कहाँ नहीं ऐसा ना कोई डकैत लूट ले, अपराधी लूट ले, लूटने वाला लूट ले, यहाँ तो मामला कुछ और है। ये तो सारे हम पुलिस वाले लूट रहे हैं और क्या करेंगे पुलिस वाले, जब पुलिस वालों को चलान में पैसे नहीं मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो लोगों से लूटना शुरू करेंगे, ला भाई तुम दे दो, ला भाई हम दे दो। लेकिन करनाल में क्योंकि मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, इतना तो डर होना चाहिए पुलिस वालों को भी, यानी ये लोग तो क्योंकि SP करनाल के बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी भी एक किस्म से यानी कि मिट्टी पलीत हो रही है, पुलिस की मिट्टी पलीत हो रही है, प्रशासन की सरकार की मिट्टी पलीत हो रही है। भाई साहब मैं तो एक परमात्मा से दुआ मानता हूँ कि इसको कभी भी CMCT ना बनाना, जब से CMCT बनी जब से यही हाल हुआ, कभी किसी के पर्स छीन लिया, किसी की चैन छीन ली, पहले एक सिंपल MLA होता था कुछ नहीं होता था, जब से CMCT बनी जब से क्रेम इतना बढ़ गया कि आम आदमी का चलना मुश्किल होगा, मोटरसाइकिल से तेल निकाल लेते हैं, मोटरसाइकिल के टायर उतार लेते हैं, कारों के टायर निकाल लेते हैं, कोई मतलब कोई तरीका पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं। और पुलिस वाले कहते हैं जी चलो देखेंगे, अब जो अभी ये गरीब आदमी बेचारा अपनी दुकान चलाएगा या 2000 रुपये के पीछे भागेगा? FIR दर्ज हुई है आपकी? कुछ नहीं हुआ अभी, FIR भी दर्ज कुछ भी नहीं हुआ अभी, अभी तो सिंपल एक दरखास्त दी गई है। अच्छा और कुछ नहीं हुआ, 24 घंटे में यही कार्रवाई, यही कार्रवाई हुई, सिर्फ आश्वासन भाई, सबका आश्वासन दे दिया भाई हम आप देख रहे हैं तलाश कर रहे हैं। अब तलाश तो उनके पास है, जब अवतार सिंह मिल गया तो अवतार सिंह अब आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप मेरे को जानते नहीं तो कैसे बिठा लिया? जय हिंद तो मैं भी कह दूंगा जय हिंद जनाब, ये तो मनगढ़ंत बात है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कृष्ण जी। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहिए? मुख्यमंत्री जी से क्या कहें, मुख्यमंत्री जी का ये नहीं पता है कहाँ, मुख्यमंत्री जी से जब कहेंगे, जब मुख्यमंत्री जी यहाँ होंगे मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे हम, IG से भी मिलेंगे, SP से भी। SP साहब से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं निजी तौर पर आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि वो ईमानदार व्यक्ति है, उनसे कुछ कहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं पुलिस का भी नाम खराब कर रहे हैं और आम जनता का कहीं ना कहीं विश्वास खत्म हो रहा है? पता चक्कर क्या है, वो बेचारे ईमानदार है मानते हैं, वो क्या करें, जब एक आदमी के पास 100 आदमी हो और 100 में 98 बेईमान हो तो एक अकेला क्या करे, वो बेचारा क्या कर सकता है? जब तक हम लोग नीचे का सर्कल जो है वो साफ नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा, नीचे का जब तक सिस्टम साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इन पुड़ियाओं के पीछे जो अंकल जी आपको दिख रहे हैं लगभग 66-70 साल इनकी उम्र है और इनसे 2000 रुपये लूट कर पुलिस वाले कल चले गए। CCTV की फुटेज भी आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस वाले आते हैं,
2000 रुपये इनसे खुले मांगते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर नाका लगाएंगे, 2000 रुपये एक बार खुले दे दीजिए भाई। अब पुलिस वालों को भी अगर आदमी 2000 रुपये के खुले नहीं देगा तो आखिर देगा किसको? 2000 रुपये इनसे लिए, अपनी फाइल रखी और यहाँ से रफू चक्कर हो गए, मामला हाईलाइटेड हुआ, पुलिस यहाँ पर पहुंची, इनसे शिकायत ली गई, लेकिन FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। सवाल ये है कि क्राइम तो हुआ है, ये सबको पता है कि क्राइम हुआ है, अगर क्राइम हुआ है तो अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? अगर FIR दर्ज नहीं करनी थी तो कम से कम इस गरीब आदमी के तो 2000 रुपये वो दे देते। अगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती तो आम लोगों से, आम जनता से ये अपील है कि इन अंकल जी का जो 2000 रुपये का नुकसान है, चाहे 100-100 रुपये करके आप उनकी मदद करें, कुछ हम भी कोशिश करेंगे, कम से कम इनका नुकसान की भरपाई तो हो जाए, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं। दुकान का नाम देखिए, जय दुर्गा के नाम से दुकान है और जय दुर्गा पर भी डाका मार गए, यानी कि चोर डकैत अपराधी किस्म के लोग ये काम कर जाए तो अलग बात है, पुलिस ही ये काम करने लगे जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, तो भैया सवाल तो उठेंगे, सेवा सुरक्षा सहयोग, किसकी सेवा हो रही है, किसकी सुरक्षा हो रही है और आखिर सहयोग किसे दिया जा रहा है? क्योंकि सेवा कैसी हुई वो आपने देख ली, सुरक्षा कैसी हुई वो आपने समझ ली, और सहयोग कितना मिलना चाहिए था, जो FIR अभी तक दर्ज होनी चाहिए थी, आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो भी लोग इस खबर को दोस्तों जहां तक देख रहे हैं, इन अंकल जी के लिए इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें, 50-50 पैसे, 1-1 रुपये की टॉफी, पुड़िया, कोल्ड ड्रिंक, लेमन बेचकर किस तरह से 2000 रुपये बनाए जाते हैं ये आप समझ सकते हैं, लेकिन इनके 2000 रुपये लूट कर पुलिस वाले किस तरह से फरार हो गए। एक पुलिस वाले को बताया जा रहा है कि पुलिस ने ढूंढ भी लिया, लेकिन वो कह रहा है कि जी मुझे तो किसी ने जय हिंद बोल दिया था, मैंने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लिया। अरे भैया, इतना क्या बड़ा वो गैंगस्टर था कि वो सीधा उतरा मोटरसाइकिल से और आकर 2000 रुपये इनसे ले लिए, और 2000 रुपये लेने के बाद रफू चक्कर भी हो गए। अंकल जी, SP साहब से कुछ कहना चाहोगे, आपकी सुनवाई हो कुछ? मैं तो ये कहता हूँ जी, देखो या तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने ये काम कराएगा, नहीं फिर ये खाकी वर्दी में धब्बा जरूर लगेगा। धब्बा लगेगा? लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा यार। मुख्यमंत्री जी आएंगे, मिलेंगे उनसे? हम मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि 2000 रुपये तो अंकल जी, कोरोना का टाइम चल रहा है, 2000 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी, देखो हर एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि 2000 रुपये के लिए गरीब आदमी की यानी क्या वैल्यू है? अगर इनकी आवाज़ हम भी नहीं सुनाएंगे, आप लोग भी इसे शेयर नहीं करेंगे, तो फिर आखिर अब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल तो दिल्ली से उठकर आकर यहाँ पर इनकी आवाज़ या इनकी सुनवाई ज़रूर करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, ताकि अंकल जी को कम से कम इंसाफ मिल सके, इन्हें ये एहसास हो सके कि जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम कम से कम आम जनता ने, आम लोगों ने इस खबर को, इस वीडियो को शेयर कर कर दिया, वो काम कम से कम उस मीडिया ने कर दिया जिसके ऊपर हमेशा से गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इस तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो लगातार उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहा, जिनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं करता। कल भी आपको हमारे एक साथी ने ये कवरेज दिखाई थी, लेकिन बावजूद इसके 24 घंटे बीतने के बाद भी अगर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो इससे ज़्यादा अंधेर नगरी कहाँ हो सकती है? आखिर इससे ज़्यादा यानी कि लूट कैसे हो सकती है? और ये तो जग जाहिर है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। राम जी के नाम पर घर घर से पैसे जरूर इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन उस शहर को राम राज्य बनाने वाले नेता, उस शहर को राम राज्य बनाने वाले वो कार्यकर्ताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या राम नाम के लिए इकट्ठे किए गए पैसों में से इनके नुकसान की भरपाई होगी या नहीं होगी? मुझे याद है कि मैंने वो भी कवरेज की थी जिसमें 10-10 रुपये कहा गया था कि हर घर से, हर घर तक हमारी पहुंच होगी, हर घर से हम 10-10 रुपये लेंगे ताकि राम मंदिर में सबका सहयोग हो सके। राम मंदिर तो शायद कोई जाए या ना जाए, लेकिन जब भी यहाँ से निकलेगा ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि राम नाम के ऊपर जो पैसे इकट्ठे किए गए थे, क्या उन पैसों से इनकी कोई मदद हो पाई? क्योंकि राम मंदिर कब बनेगा इसका कोई यानी कि मैं नहीं कह सकता कि कब तक उसकी पूरी भरपाई होगी, कब तक वो बनेगा। कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपये शायद इकट्ठे भी हो गए हैं उसमें, लेकिन अगर इस तरह से राम राज्य बनाने वाले पैसों को इस तरह से लूटने लगे तो आखिर इंसाफ जनता को देगा तो आखिर देगा कौन? आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, ताकि कम से कम रेलवे रोड पर बनी हुई इस दुकान, छोटी सी दुकान जिसे हम आमतौर पर पनवाड़ी की दुकान कहते हैं, इन्हें कम से कम इंसाफ मिल सके, इनकी जो नुकसान की भरपाई है कम से कम वो हो सके। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस समय मायूस है, इन्हें ये लग सके कि जो काम मेरा पुलिस नहीं कर पाई, जो काम मेरा प्रशासन नहीं कर पाया, करनाल के ही किसी न किसी व्यक्ति ने कर दिया। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, धन्यवाद।